1976 से सिडको की प्रेरणा से नूतन महिला मंडल की स्थापना की गई थी, जहां इस माध्यम से हमेशा ही महिला सक्षमीकरण हेतु विभिन्न प्रयास किए गए, जहां महिलाओं को वैचारिक, शिक्षा, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास हेतु नूतन महिला मंडल का प्रयास हमेशा ही होता रहा। इस महिला मंडल का 37वां वर्धापन दिन बुधवार को वाशी के कम्युनिटी सेंटर में किया गया, जिसमें स्त्री जीवन की यात्रा को दर्शाने वाली संगीत उत्पाद की माझे जीवन गाने ये कार्यक्रम पेश किया गया। इस समय नूतन महिला मंडल के पिछले 37 साल की यात्रा पर नजर डाली गई, जहां वाशी के कम्युनिटी सेंटर से इस महिला मंडल का बना रिश्ता उजागर किया गया, जिसमें हाल ही में इस कम्युनिटी सेंटर के नूतनीकरण का प्रस्ताव को ध्यान में लेते हुए उसके प्रति लगन आगे भी बनाए रखने की मांग की गई, जिसका लोक प्रतिनिधि और महिला मंडल से पिछले कई सालों से बने रिश्ते से नेरुल प्रभा क्रमांक 73 की नगर सेविका नेत्रा शिर्के ने भी सकारात्मक तरीके से सोचने की जरूरत व्यक्त की और बतौर नगर सेविका के तौर पर इसके लिए प्रयास करने की भी बात कही। नूतन महिला मंडल का काम बहुत अच्छा है। महानगर पालिका के माध्यम से भी उनको सावित्रीबाई फुले अवार्ड दिया गया था और मुझे लगता है जो अच्छे काम करने वाली जितनी भी नवी मुंबई की संस्था है उनको प्रोत्साहित करने का काम हम सबको करना चाहिए। तो उनके जो भी अभी प्रॉब्लम्स हैं उनको मैंने सुन लिया है। नामदार गणेश जी नाइक साहब जो हमारे यहाँ के गार्डियन मिनिस्टर हैं उनके माध्यम से जो भी हम मदद कर सकते हैं उनको जरूर करने की कोशिश करेंगे। इस महिला मंडल के माध्यम से शुरू कार्य हमेशा ही तारीफ का हकदार रहा है, जहां इमारत के नूतनीकरण प्रस्ताव से इससे जुड़ी महिलाओं में चिंता की भावना दिखाई दी। कम्युनिटी सेंटर ची 1976 साली स्थापना झाली आणि त्यावेळेला नूतन महिला मंडल हे अविरत कार्य करते आणि त्याचबरोबर त्याची बालवाडी चालू आहे आणि अशा वेळेला नवी मुंबई महानगरपालिकेने आम्हाला असं सांगितलं की ही बिल्डिंग आम्ही पाडणार आहोत आणि नवीन त्याचं रूपांतर करणार आहोत। पण तरीसुद्धा आमची अशी विनंती आहे गणेशजी नाईकांना की आमचं हे जे कार्य आहे हे असंच पुढे चालू राहावं आणि त्यासाठी त्यांनी आम्हाला सहकार्य करावं अशी आम्ही कळकळीची विनंती करतो। कॅमेरामन संदीप भगत के साथ जान कब्राल की रिपोर्ट।